गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ड्राइंग बाय शेप्स। आज मैं आपको शेप की हेल्प से ड्राइंग बनाना सिखाऊंगी। अब पढ़ाई तो हम रोज करते हैं, तो थोड़ा सा चेंज करेंगे। आज हम आपको ड्राइंग बनाना सिखाएंगे। देखो, ये बॉक्स में आपको शेप्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों। ये देखो कौन सी शेप है, ये है ट्रायंगल एंड दिस इज सर्कल। तो ये गोल है, ये है सर्कल। और ये क्या है जो बॉक्स की तरह आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज रेक्टेंगल। तो बच्चों, इन थ्री शेप्स की हेल्प से हम यहाँ पर एक ड्राइंग बनाएंगे और फिर देखेंगे कि वो ड्राइंग किसकी बनती है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ओके, देखिए ट्रायंगल बनाते हैं हम। इस तरह से हमने इसलिए क्या बनाया, ट्रायंगल। देखो ये ऐसा हमने ये क्या बना दिया, ट्रायंगल। अब ये क्या है, रेक्टेंगल। अब हम इसके नीचे ऐसा एक रेक्टेंगल बनाएंगे। देखिए पहले हम इस पॉइंट से देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे हम। अब यहाँ से फिर हम स्ट्रेट लाइन में इसके बराबर, ये हमने बना दी। अब इनको हम मिला देंगे। ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। ये है ट्रायंगल और ये है रेक्टेंगल। अब यहाँ पर भी हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। चलिए इस लाइन को हम यहाँ से थोड़ा बड़ा बॉक्स बनाते हैं। ओके, अब इसी तरह से हम यहाँ से इसके बराबर बनाएंगे। देखिए अब हम इन दोनों को स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। देखो तो बच्चों, ये क्या बन गया, ये भी एक क्या बन गया, रेक्टेंगल। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल। अब हम देखेंगे इस लाइन को ऊपर थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखो ये लाइन है, हम ऊपर कर देते हैं और इसको इसमें हम मिला देते हैं। देखिए इसे ऐसे हमने इनको बना दिया। अब बच्चों, ये सर्कल तो रह गया। अब ये सर्कल हम कहाँ बनाएंगे, यहाँ इसके अंदर। देखो ये हमने क्या बना दिया, सर्कल। अब यहाँ पर हमें डोर बनाना है, तो वो भी हम रेक्टेंगल की तरह बनाएंगे डोर। इसके अंदर फिर से हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। यहाँ से हमने ऊपर किया, यहाँ से हमने ऊपर किया और इसको मिला दिया। ये क्या बन गया, हमारा डोर। अब यहाँ पे हमें एक विंडो बनानी है, तो ये इसके लिए भी हम एक रेक्टेंगल और बनाएंगे इसके अंदर। देखिए इस तरह से, ये एक विंडो है और ये हमारा डोर है। ओके, अब हम यहाँ पर स्केल से लाइन बना सकते हैं इस तरह से।
तो ये किसके पिक्चर बन गई बच्चों, किसकी ड्राइंग बन गई? अब तो आप पहचान गए होंगे कि ये क्या बन गया, हट। क्या बन गया बच्चों? हट। ये क्या बना दिया हमने, ये शेप से हमने ये क्या बन गए, हट। हम यहाँ लिखेंगे हट, HUT, हट। अब इसमें आप बच्चों आप अपनी पसंद से कलर कर सकते हैं, जो आपको कलर पसंद हो वो आप कलर इसमें फिल करेंगे, ओके। तो इस तरह आज हमने क्या सीखा, शेप की हेल्प से ड्राइंग बनानी सीखी और ये हमने हट बना दी। ऐसे ऐसे आप हट बनाएंगे शेप की हेल्प से, और इसमें आप कलर आप अपने आप करेंगे अपनी मर्जी से, जो आपको पसंद हो।